आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की एक मासिक बैठक हर माह की भांति आयोजित की गई है। प्रदेश के सभी हमारे मुख्य पदाधिकारी आज इस बैठक में शामिल हुए हैं। इस विधानसभा चुनाव में एनएसयूआई ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और आगे भी किस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन को कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत करने से लेकर छात्रों तक उनकी मुद्दों की हक और हकूक की बात को मजबूती से रखने का जो हमारा काम है, उस जिम्मेदारी को हमें किस तरीके से हमें निभाना है, उस पर हम सब लोग चर्चा करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन को एक जोटवाड़ा विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाकर पूरे एनएसयूआई परिवार को अनुग्रहित किया है और पूरा एनएसयूआई परिवार शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करने के लिए और अपनी जिम्मेदारियों को और मुखरता से आगे निभाने के लिए आज चर्चा कर रहा है। आज एनएसयूआई की हमेशा हर महीने की मासिक मीटिंग होती है, लेकिन पिछले महीने में चुनाव की वजह से नहीं हो पाई, जो आज हो रही है। और ये हर जब से एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी बने हैं, तो हर बार लास्ट का जो सैटरडे होता है उसको एनएसयूआई की मासिक मीटिंग लेते हैं, जिसके अंदर राजस्थान के प्रत्येक कोने से प्रत्येक कार्यकर्ता पहुँचते हैं। और ये मीटिंग में आज का हमारा मोटिव ये था कि हमने किस तरीके से जो कांग्रेस में विधानसभा चुनाव हुए हैं, उन विधानसभा चुनाव में एनएसयूआई ने किस प्रकार से कार्य किया है और आने वाले समय में एनएसयूआई किस प्रकार से कार्य करेगी, जिससे कि एनएसयूआई परिवार खुद भी मजबूत हो सके, संगठन को मजबूती प्रदान हो सके, साथ ही कांग्रेस पार्टी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर सके।